रेलवे कॉलोनी में जर्जर आवास अब आपराधिक गतिविधियों के अड्डे बन गए हैं। ऐसे में जर्जर आवास में चल रहे जुआ घर पर आज रात आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त दबिश कार्रवाई में 35 जुआरी पकड़े गए। इनके पास से 2 लाख से अधिक की राशि जब्त की गई। इन जुआरियों को घटना स्थल से जीआरपी थाने एक बस में भरकर ले जाया गया। हालांकि जुआरियों से भरी हुई बस को करीब 1.5 घंटे तक रेलवे कॉलोनी में ही खड़ा रखा गया था। रेलवे कॉलोनी में इस तरह से एक रेल आवास में इतने बड़े पैमाने पर जुआ घर चलने की इस घटना से जीआरपी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में रेल कर्मचारी रहते हैं, ऐसे में रेल परिवारों के बीच इस तरह से एक रेल आवास में इतने बड़े पैमाने पर जुआ घर चलना बिना जीआरपी की मिलीभगत के संभव नहीं लगता है। अब पकड़े जाने के बाद जीआरपी के टीआई कहते हैं कि यह जुआ घर कोई संचालित नहीं कर रहा था, सभी जुआरी खुद ही यहाँ आकर खेलने लगे थे। अगर ऐसा है तो जीआरपी द्वारा कॉलोनी में कई जाने वाली गश्त पर भी सवाल उठते हैं कि गश्त के नाम पर क्या जीआरपी केवल खाना पूर्ति करती है। टीम भारती न्यूज। अपने जीआरपी रेलवे कॉलोनी रोड नंबर 7 रेलवे के जो कंडम क्वार्टर है वहाँ पे ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। तो इस सूचना पे और हमने आरपीएफ को सूचित किया और अपना जीआरपी चौकी का जो बल था यहाँ के इंचार्ज ऐसे ही पनेल आईपीएफ या अंसारी साहब इनका बल आरपीएफ का और हमारा चौकी वाला जो स्टाफ था वो ये सब वहाँ जाके उन्हें दबिश दी। दबिश के दौरान वहाँ से 33 व्यक्तियों को पकड़ा है और 33 व्यक्ति ताश पत्ती से जुआ खेल रहे थे। उनसे 2,17,000 रुपये बरामद हुए हैं और उनकी लिखापढ़ी करके और कार्रवाई की जा रही है। एक बात इसमें जानना चाह रहे थे कि काफ़ी देर पहले ये पकड़ाए थे, घटनाक्रम काफ़ी देर हो गई और ये रेलवे स्कूल के यहाँ अंधेरे में ये बस खड़ी थी काफ़ी देर से, तो क्यों इनको थाने नहीं लाया गया? बस में चूंकि सारे जो थे अपराधी वहाँ से लाने के लिए साधन जो हमारे पास उपलब्ध था उसके आधार पर हमने उनको बुलाया और साधन से लेकर आए हैं और आरोपी जो अभी हमारे पास में कस्टडी में है, हमने यहाँ हमारी कस्टडी में आदमी लगा रखे हैं और उसके बाद में लिखापढ़ी करी है, सारी कार्रवाई कम्प्लीट है। बात ये पूछी जा रही है कि जो बस है जिसमें आपने 32-40 जो सटोरी हैं जिनको पकड़ा है तो उनको रेलवे स्कूल के यहाँ अंधेरे में बस क्यों खड़ी थी? आपके थाने पे बस खड़ी कर लेते हैं? थाने के हमने कस्टडी में हमारे जो थे वो आदमी लगा रखे हैं, वो हमारे कस्टडी में है, ठीक है। फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई इनकी लिखापढ़ी करेंगे, इनके खिलाफ जो प्रकरण है प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से चल रहा था वहाँ पर? कितने समय से चल रहा था उसकी सूचना कैसे? उसकी सूचना हमको आज मिली हमारे हिसाब से जो भी किसी ने मुगड़ी ने बताया और हमने तत्काल दबिश दी। इस तरह की पहले भी सूचनाएं मिलती आई हैं कि रेलवे कॉलोनी में पहले भी अगर सूचना मिली पहले भी हमने प्रकरण बनाए। मुख्य आरोपी कौन है, किसके द्वारा संचालित कर रहा है? मुख्य आरोपी इसमें कोई नहीं है, सब आपस में बैठ के और सब आपस में जुआ खेलते हैं और जो इकट्ठे होके और सारी कार्रवाई अपने हिसाब किताब से मिलके और इनके अध्ययन ये है तो इसके बारे में भी पता करेंगे किसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। और सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।